हम पढ़ेंगे नेक फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर। तो देखो नेक ऑफ फीमर जो होता है, इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे, ये फीमर का हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये साफ हो गया। तो देखो जो कैप्सूल अटैच होता है वो यहाँ से अटैच होता है, कहाँ से अटैच होता है, इस तरह से। तो यहाँ से अटैच होता है जॉइंट कैप्सूल जो रहता है, ठीक। तो इस कैप्सूल के अंदर, जॉइंट कैप्सूल के अंदर जो फ्रैक्चर होगा इसको बोलेंगे इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, और इस कैप्सूल के अगर कहीं बाहर कहीं भी फ्रैक्चर होगा तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, ठीक। तो ये एक डायग्राम हो गया, ये फीमर का नेक हो गया और इसमें फ्रैक्चर होता है, तो जो अपने आप से यूनियन नहीं होता है, ठीक, इसको बोलते हैं नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर। नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर दो तरह का हो गया, एक तो बता दिए इंट्रा आर्टिकुलर, एक इंट्रा आर्टिकुलर हो गया और दूसरा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हो गया, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हो गया। इंट्रा आर्टिकुलर में यही नेक का फ्रैक्चर हो गया, और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में इंट्रा ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, कौन सा, इंट्रा ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, ट्रोकेंट्रिक लाइन होता है उसका, इंट्रा ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, ओके। अब देखो नेक ऑफ फ्रैक्चर का जो फीमर होता है तो ये किस एज ग्रुप के लोगों में होता है, ये जनरली 50+ के एज ग्रुप के लोगों में होता है, 50 ईयर्स। और ये जनरली किस सेक्स में कॉमन है, ये फीमेल में कॉमन है, ओके, फीमेल में कॉमन है। इसका कॉज क्या होता है, कोई भी माइनर कॉज, ट्रिवियल कॉज, छोटा सा कॉज, कोई सा भी होगा, छोटा सा इंजरी हुआ जिसमें नॉर्मल आदमी का फ्रैक्चर नहीं होता है और इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा, क्या इसमें स्वेलिंग वगैरह डेवलप होगा, नहीं। अब मेन चीज़ है कि फीमर नेक के फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन जानते हैं हम लोग, तो फीमर नेक का जो क्लासिफिकेशन है इसको तीन तरीके से पढ़ना है, एक एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा पॉवेल्स क्लासिफिकेशन, और तीसरा गार्डन्स क्लासिफिकेशन, तीसरा गार्डन्स क्लासिफिकेशन, ओके। अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है, देखो ये फीमर का हेड हो गया, तो ये फीमर का जो हेड हो गया, ठीक, इसी में हम पढ़ेंगे क्या इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर जो है, इसी का तीन पार्ट्स हो गया। तो एक यहां पे जो फ्रैक्चर अगर हुआ तो इसको बोलेंगे सब कैपिटल फ्रैक्चर, सब कैपिटल फ्रैक्चर बोलेंगे। यहां पे जो फ्रैक्चर हुआ इसको बोलेंगे ट्रांस सर्वाइकल, क्या बोलेंगे, ट्रांस सर्वाइकल। और यहां पे जो फ्रैक्चर हुआ इसको क्या बोलेंगे अपन, बेसल। तो एनाटॉमी के अकॉर्डिंग तीन टाइप में हो गया, क्या क्या हो गया, पहला यहां पे जो हुआ इसको सब कैपिटल बोल दिए, सब कैपिटल बोल दिए। दूसरा बीच में जो हो गया, नेक ऑफ फीमर के बीच में जो हो गया इसको क्या बोल दिए, ट्रांस सर्वाइकल। और तीसरा क्या हो गया, बेसल, ओके। अब चलते हैं पॉवेल साहब क्या बोलते हैं, देखो पॉवेल साहब कुछ नहीं बोला, उन्होंने ये फ्रैक्चर के ऊपर से एक इस तरह से, ये अगर हेड है, ये गलत बन गया थोड़ा सा, इस तरह से नहीं बना था, ठीक। तो ये जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है इसका, इससे इन्होंने एंगल कैलकुलेट कर दिया और फ्रैक्चर लाइन से जोड़ देते थे और उसके बीच में एंगल काउंट कर लेते थे, ठीक। तो तीन तरह का एंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, तीन तरह का एंगल होता है। मतलब ये जो एंगल है, इंक्लिनेशन हॉरिजेंटल लाइन से कितना डिस्प्लेस्ड है, ये जो फ्रेगमेंट है, कोई भी एक फ्रेगमेंट जो है वो हॉरिजेंटल लाइन से कितना एंगल तक डिस्प्लेस है, तो इसको इन्होंने दो तीन पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट में 30 डिग्री, पॉवेल साहब ने 60 डिग्री और 70 डिग्री। अब गार्डन साहब आए, गार्डन साहब बोले कि देखो ओके, हम इसको चार पार्ट में बांटेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, चार पार्ट में बांट दिया अपन, ठीक। तो देखो पहली बात है कि फ्रैक्चर ही इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। अब ये सब में कम्प्लीट फ्रैक्चर रहेगा, कम्प्लीट फ्रैक्चर तो सब में कम्प्लीट रहा, अब बचा हुआ इस तीनों में, ठीक। तो स्टेज 1 में फ्रैक्चर इनकम्प्लीट है, स्टेज 2 में कम्प्लीट फ्रैक्चर। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो है पर पार्शियल है, और इसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सीधी मतलब कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। तो गार्डन साहब ने चार स्टेज में क्लासिफाई कर दिया, स्टेज 1 इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, स्टेज 2 कंप्लीट फ्रैक्चर प्लस नो डिस्प्लेसमेंट, स्टेज 3 में कंप्लीट फ्रैक्चर प्लस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट फ्रैक्चर प्लस कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो ये इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक। अब क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे अपन, क्लिनिकल फीचर पेन होगा, मूवमेंट में मोबिलिटी, मूवमेंट कम हो जाएगा, लिम्ब शॉर्टनिंग हो जाएगा। देखो ये अकेला ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें 1 इंच शॉर्टनिंग हो जाता है, 1 इंच शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब हो जाता है, कितना इंच लंबा, लिम्ब की लेंथ कितना कम हो जाती है, 1 इंच कम हो जाती है, ओके। टेंडरनेस रहेगा,
कहाँ पे टेंडरनेस रहेगा? टेंडरनेस इन एंटीरियर हिप ज्वाइंट, इन एंटीरियर हिप ज्वाइंट रहेगा। उसके बाद एक्सरे में देखने के लिए क्या क्या मिलेगा, एक्सरे का क्या क्या रहेगा फीचर? एक्सरे ब्रेक देखने को मिलेगा। ब्रेक किसमें देखने को मिलेगा? पहला ब्रेक मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ नेक, मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ नेक में ब्रेक देखने को मिलेगा। ओके, सेंटेंस लाइन में, सेंटेंस लाइन में ब्रेक देखने को मिलेगा। तीसरा और कहाँ देखना, ट्रेबिकुलर, ट्रेबिकुलर स्ट्रीम में ब्रेक देखने को मिलेगा। एक्सरे में ब्रेक देखने को मिलेगा, मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ नेक, नेक का जो मीडियल कॉर्टेक्स होगा उसमें ब्रेक देखने को मिलेगा। देखो इसका मतलब बस इतना ही है कि ये देखो, ये जो मीडियल कॉर्टेक्स है ना, ये जो मीडियल कॉर्टेक्स है इसमें कहीं ब्रेक देखने को, मीडियल साइड में ये कहीं ब्रेक देखने को मिलेगा। कॉर्टेक्स तो पता ही, बोन का जो सेंटेंस लाइन एक इस तरह का आर्च बनता है इसमें ब्रेक देखने को मिलेगा, और ट्रेबिकुलर स्ट्रीम में भी ब्रेक देखने को मिलेगा। ओके, फीमर कैसा रहेगा? एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा, एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा, एक्सटर्नली रोटेटेड रहेगा। और ट्रोकेंटर ओवरराइड कर जाएगा, ओवरराइडिंग ऑफ, और ऊपर चला जाएगा, ओवरराइडिंग जब भी 1 इंच का छोटा होगा, ओवरराइडिंग ऑफ ट्रोकेंटर। तो एक्सरे में इतना चीज देखने को मिलेगा, ब्रेक देखने को मिलेगा, मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ नेक में देखने, सॉर्टिंग सेंटेंस लाइन में ब्रेक देखने को मिलेगा, ट्रेबिकुलर स्ट्रीम में ब्रेक देखने को मिलेगा। जो ट्रोकेंटर है वो ओवरराइड कर जाएगा और हिप एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखो ट्रीटमेंट में क्या है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है तो देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है मतलब अनडिस्प्लेस्ड है, तो अनडिस्प्लेस्ड होने का क्या मतलब हो गया, इसमें हिप स्पाइका देते हैं, हिप स्पाइका ऊपर से नीचे तक बच्चों में प्लास्टर कर देते हैं, ये बच्चों में जनरली करते हैं, या थॉमस स्प्लिंट देते हैं। देखो थॉमस स्प्लिंट कुछ इस तरह का होता है, ऊपर से नीचे तक का एक स्प्लिंट होता है और इसमें 120 डिग्री का एंगल भी होता है, ये थॉमस स्प्लिंट हो गया। या तीसरा चीज क्या करेंगे, मल्टीपल स्क्रू फिक्सेशन, मल्टीपल स्क्रू फिक्सेशन। ये तो अनडिस्प्लेस है, अगर डिस्प्लेस हो गया है तो डिस्प्लेस होने के बाद सीधा हम देखेंगे एज, एज क्या है, एज अगर 60 साल से ऊपर है या 60 साल से कम है, जैसे मान लो 60 साल से कम है, ठीक, तो 60 साल से कम एज है तो इसमें हम क्लोज रिडक्शन करेंगे, ऊपर से ही रिड्यूस करेंगे, क्लोज रिडक्शन करेंगे। क्लोज रिडक्शन के बाद या तो रिड्यूस होगा या रिड्यूस्ड नहीं होगा, नो रिडक्शन। अगर रिड्यूस हो गया तो फिर से मल्टीपल स्क्रू फिक्सेशन कर देंगे, MSF कर देंगे, अगर नहीं रिड्यूस नहीं हुआ तो ओपन कर देंगे, ओपन रिडक्शन कर देंगे, खोल के जॉइंट को रिड्यूस कर देंगे। ओके, अब एज 60 साल से ऊपर है, एज 60 साल से ऊपर है तो इसमें एक चीज तय है कि अपने को प्रोस्थेसिस लगाना पड़ेगा, प्रोस्थेसिस लगाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि प्रोस्थेसिस पूरा क्या हिप जॉइंट को ही रिप्लेस करे या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करे, तो इसके लिए पहले देखेंगे हम हिप का एनाटॉमी। अगर नॉर्मल हिप है, नॉर्मल हिप है तब हेमी करेंगे, हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे। लेकिन अगर कोई आर्थराइटिस है पहले से, आर्थराइटिस है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो ट्रीटमेंट इतना हो गया, फीमर का फ्रैक्चर है, अनडिस्प्लेस है तो हिप स्पाइका बच्चों में जो देते हैं, थॉमस स्प्लिंट देते हैं जो इस तरह से इसमें दो कर्वेचर्स देखने को मिलता है, ठीक, मल्टीपल स्क्रू फिक्सेशन। अगर 60 साल से कम की एज का, यानी उसका अपन पहले क्लोज रिडक्शन का ट्रायल लेंगे, ऊपर से रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन हो गया तो मल्टीपल स्क्रू फिक्सेशन कर देंगे, अगर नहीं रिड्यूस हुआ तो ओपन रिडक्शन कर देंगे। 60 साल से ऊपर है प्रोस्थेसिस डालेंगे, अप्रोस्थेसिस डालेंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना है या हेमी करना है। अगर हिप के एनाटॉमी नॉर्मल है मतलब उसमें कोई आर्थराइटिस वगैरह नहीं है तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कर देंगे, अगर आर्थराइटिस उसमें है तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट। देखो अब होगा क्या, ट्रीटमेंट कर दिया, अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन कोई भी चीज का पता है अपने को, एवीएन हो सकता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप हो सकता है। क्यों होगा एवीएन? जो ब्लड सप्लाई होती है ना हिप जॉइंट की, ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई किसके थ्रू? लिगामेंटम टेरिस के थ्रू होती है, लिगामेंटम टेरिस किसके थ्रू होती है? लिगामेंटम टेरिस के थ्रू होती है। वहां से सप्लाई कट ऑफ हो जाता है या सप्लाई कम हो गया, ब्लड सप्लाई कम हो गया। आपको पता होगा इस तरह से अगर छेद रहता है तो फोबिया सेंट्रलिस रहता है, वो हाँ लिगामेंटम टेरिस जिसको बोलते हैं वहां से ब्लड सप्लाई होता है, ठीक, तो इसका ब्लड सप्लाई लिगामेंटम टेरिस से इनसफिशियंट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? अच्छा देखो एवीएन एक्सरे पे कब पता चलेगा? देखो एक्सरे पे देखोगे तो एक्सरे पे तो ये कब पता चलेगा? 2 साल के बाद। आज अगर एवीएन 2023 में हुआ किसी को जैन में तो ये 2025 के जैन में पता चलेगा, उसके बाद पता चलेगा, ठीक। तो इसीलिए पता है ज्वाइंट का अपने लिए ब्रह्मास्त्र क्या है? एमआरआई, एमआरआई से इंस्टेंट में पता चल जाएगा क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू वगैरह देख पाएंगे हम लोग, ठीक। इसका इफेक्ट क्या होगा एवीएन के? एवीएन अगर किसी इंसान को हो गया है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या यूनियन होगा? नहीं, नॉन यूनियन रहेगा, नॉन यूनियन रहेगा, ब्लड सब उसका एनाटमी डिफॉर्म हो जाएगा, और हेड जो है फीमर हेड की एनाटमी वो भी डिफॉर्म हो जाएगी, डिफॉर्म हेड, ठीक।
तो एवियन हो गया, एवियन क्यों होता है, इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई थ्रू लिगामेंटम टेरिस हो गया, सप्लाई कम हो गया या इनसफिशियंट सप्लाई हो गया। इसके एवियन के कारण क्या होगा, नॉन यूनियन होगा या डिफॉर्म हेड रहेगा। एक्सरे करवाएंगे तो 2 साल के बाद पता चलेगा एक्सरे, इसलिए अपने पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, एमआरआई है। ठीक, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एवियन का, एवियन का अगर भाई बच्चा है, यंग है, कम एज का है, इसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, या पता है आर्थ्रोडेसिस भी करना पड़ता है, आर्थ्रोडेसिस भी करना पड़ सकता है, या इसमें मेयर्स प्रोसीजर भी करते हैं, मेयर्स मेयर्स प्रोसीजर भी करते हैं। ओके, मेयर्स प्रोसीजर अगर एल्डरली है, बुजुर्ग है, ज़्यादा एज का है, तो हेमी रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी करना पड़ता है, हेमी रिप्लेसमेंट आधा जॉइंट हेमी रिप्लेसमेंट आर्थ्रोप्लास्टी, या फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना भी पड़ सकता है। ओके, दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि भाई नॉन यूनियन हो गया है तो क्या करना पड़ेगा, नॉन यूनियन किसी का अगर हो चुका है तो इस तरह से है, तो इस नेक का रिपेयर करो या रिकंस्ट्रक्शन करो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर नॉन यूनियन, नेक रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, और पॉवेल्स ऑस्टियोटॉमी कर सकना पड़ सकता है, पॉवेल्स ऑस्टियोटॉमी करना पड़ सकता है। ओके, अब इसी में नॉन यूनियन अगर किसी को रहेगा ना, तो इसमें ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगा, टीटी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और अपने को पता ही है कि जब एक कॉम्प्लिकेशन, सही से जॉइंट अगर अलाइन नहीं होएगा, सही से जॉइंट अलाइन नहीं होगा तो आर्थराइटिस हो सकता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस किसके कारण होगा, या तो एवियन के कारण होगा, या यूनियन ही फॉल्टी हो गया है, फॉल्टी यूनियन के कारण हो सकता है। अगर ट्रीटमेंट की बात करोगे बच्चों में, तो चिल्ड्रेन की बात करोगे तो इंटरट्रोकेंट्रिक ऑस्टियोटॉमी करते हैं और एल्डर में तो पता ही है टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट द फ्रैक्चर ऑफ द नेक।